कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी, क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी ढलान है जिंदगी। संघर्ष के लिए मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगी, बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। थक चुके नसों में थोड़ा सा रक्त भर लो, मन्नत मुकम्मल हो जाएंगी। शुरुआत में अगर थोड़ी सी सफलता मिले तो दोस्तों उसकी चकाचौंध में इतना मत खो जाना। शुरुआत में अगर थोड़ी सी सफलता मिले तो दोस्तों उसकी चकाचौंध में इतना मत खो जाना, जिस दिन फिसले उस दिन दुनिया तुम्हें नोच खाएगी। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, समस्या भी आती है और उनका समाधान भी साथ ही आता है, क्योंकि रामायण महाभारत और गीता के सार में यही बताया गया है कि अगर कोई समस्या जन्म लेती है तो उसका समाधान भी उसके साथ ही जन्म लेता है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। एक बात बोली भी गई है, माना कि इतना आसान नहीं है सपनों को हकीकत हो जाना, लेकिन जिद हो कुछ पाने की तो इतना कठिन भी नहीं है सपनों का हकीकत में बदल जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शेखावत आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल विवेक ज्योति ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ आप सबका इतना सपोर्ट और साथ पाने के बाद। एक माँ, एक गृहिणी, एक पत्नी जब भी रसोई में जाती है ना, बस दिमाग में एक ही बात आती है कि ऐसा क्या बनाए जो सब खुश होके खा ले। उसको अपनी खाने की कोई टेंशन नहीं होती, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस दिमाग में एक ही बात आती है कि घर वाले सब खुश होके खा ले। वो शादी के बाद या शादी से पहले सब कुछ भूल जाती है कि उसको भी कुछ पसंद है या नहीं है, उसका भी मन करता है कुछ खाने का या पहनने का, क्या करता है वो अपनी ख्वाहिशों की तरफ कभी ध्यान नहीं देती। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी ध्यान नहीं देते। लेकिन आज मेरे मन में आ गई कि मैं आज बैंगन की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि आज जो मेरी छोटी बहन है उससे बात कर रही थी मैं फ़ोन पे, और उसने बताया कि आज मैंने बैंगन की सब्जी और साथ में मैंने चावल बनाए हैं। बहुत मन कर गया, क्योंकि हम तीनों बहनें जब साथ रहती थी तो घर पे वहाँ पे हम बनाते थे बैंगन की सब्जी, चावल ऐसा कुछ बना के हम खाते थे। तो बस वही पीछे के दिन याद आ गए। शादी के बाद तो अक्सर हम भूल जाते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं। फिर मेरा भी मन कर गया, तो फिर मैंने अपनी क्यारियों से जाके बैंगन तोड़े और कुछ टमाटर तोड़ के और अपनी तैयारी पे लग गई। और मम्मी मेरी साथ में बैठी हुई थी, मेरी हेल्प कर रही थी मेरी सास सुमा, क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश के कारण पूरे घर की ऐसी बुरी हालत हो रखी थी, समझ नहीं आ रखा था कि कैसे क्या करें। तो फिर मैंने अपनी प्याज वगैरह चॉप किया है, मैंने मिक्सी में नहीं पीसा इसको, मैंने ये जो मशीन है इससे ही करके और इससे चॉप किया। इससे जो हम प्याज कसते हैं ना उसमें मतलब बारीक बारीक चॉप हो जाती है, पिसती नहीं है। जो पिस के हम मसाला डालते हैं ना, वो एक तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और उसके टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता जैसे इससे बनाते हैं। और प्याज को चॉप करने के बाद अब मैं मिर्ची और टमाटर को बारीक चॉप कर रही हूँ। और ये खट्टे वाले टमाटर है अपनी क्यारियों के, बहुत अच्छा खट्टा स्वाद आता है। इनको अगर हम डाल लेते हैं ना तो हमें अमचूर या किसी खटाई की ज़रूरत नहीं होती, इनसे ही इतना अच्छा खटास आ जाता है। तो ये सब मैंने अपने मसाले कर लिए साइड में। और ये जो बड़ी वाली मिर्ची है चटनी वाली, ये मिर्ची और लहसुन डाल के हम मिक्सी में पीस लेंगे बारीक। और ये हम तैयार करें अपनी सब्जी जो मैं शादी से पहले खाती थी। बस आज वही मन कर गया कि पहला वाला टाइम एक बार फिर से जी लें। तो बस मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया और साथ में डाल दिया फिर ये टमाटर। तो मैं आज वही रेसिपी शेयर कर रही जो मैं बहुत पहले खाती थी।
वो आज मैंने सोचा कि वो बनाएं और खाएं। तो ये मिर्ची चटनी वाली मिर्ची थी, इसका कलर अच्छा आता है, तो हमें जो कलर के लिए जो मिर्ची डालनी होती उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसमें तीखापन और कलर दोनों आ जाएंगे। तो ये बस रेसिपी तो वही है जैसे हम पनीर में बनाते हैं, बस इसमें बैंगन, और बैंगन थोड़ा सा लंबा वाला कट किया है। तो मैंने एक और मैंने सुना भी था कि बैंगन को लंबा लंबा कट करके और खाते हैं ना, तो उसको मछली वाला टेस्ट नहीं आता, तो हम मछली नहीं, हम बैंगन ही बना रहे हैं। तो ये क्योंकि बहुत से मछली को खाते हैं चावल के साथ, तो मेरे को बस वही एक और पुरानी वीडियो देखा था तब याद आ गया बैंगन, क्योंकि फिर बाद में हमारा मन नहीं किया था चावल के साथ बैंगन खाने का। तो ये बैंगन थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा लंबा कट करके डालते हैं ना, तो ये अच्छा लगता है चावलों के साथ। तो मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, लेकिन बारिश के मौसम से यहाँ का हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। बच्चों को स्कूल भेज दिया था, बच्चे स्कूल गए थे, और उनको भेजने के बाद मैंने साफ़ सफाई की, क्योंकि पहले तो मेरा यही रहता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, बाद में जो काम होगा ना वो बाद में करते रहेंगे, देखा जाएगा। तो काम सारा पूरा होने के बाद यहाँ पे लकड़ियाँ थी, लकड़ियों के नीचे आंधी की वजह से इतना कचरा इकट्ठा हो गया था, तो पहले मैंने वो साफ़ सफाई की है, पानी से पहले तो झाड़ू से निकाला और फिर पानी से धोया, उसके नीचे से बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली, तो चूल्हे की हालत भी बहुत नाजुक हो गई। तो शाम को देखेंगे इसकी लिपाई पुताई को, तो शाम तक करेंगे। तो चूल्हे वाले जो हिस्सा ने इसकी बहुत ख़राब हो रखी थी, तो यहाँ से धोने की सोच लिया, मैंने सोचा आंगन है, वैसे हो रखा था बारिश का मौसम, धोने का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन ऐसा ना खाना बनाते हैं इस साइड तो थोड़ी सी साफ़ सफाई अच्छी लगती है, मन नहीं करता फिर कुछ भी खाना बनाने का या कुछ करने का, और दूध वगैरह भी गर्म करना होता है। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद मेरे बर्तन इतने हो रखे थे पूरे एक परात मतलब इसमें आने वाले भी नहीं थे, इतने बर्तन हो गए थे। तो सारे बर्तन इकट्ठे करके और यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने पहले बर्तन साफ़ किया है, क्योंकि जब तक काम पूरा हो नहीं जाता ना तब तक मेरा खाने का मन भी नहीं करता, पूरा काम करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ, फिर आलस सा हो जाता है, तो खाना खा के बैठ जाते हैं ना तो थोड़ा सा आलस हो जाता है। तो ये बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, लेकिन ये हमारे अब तो दूध हो गया, भैंस दूध देती है, तो दूध हम इसमें जो मिट्टी का जो मटका है ना इसमें भिलोते हैं, इसमें खट्टा नहीं होता दूध, और लस्सी भी ठंडी रहती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है, सिल्वर का बर्तन हम यूज नहीं करते। तो यहाँ का काम सारा फ्री हो गया, और अब बना रही हूँ मैं चावल, क्योंकि बच्चों का भी आने का टाइम हो ही गया था लगभग, और बच्चे भी चावल खुश होकर खा लेते हैं, तो दिव्य तो खाता है थोड़ा ही मीठे चावल, थोड़ा मीठा वगैरह डाल के तब खाता है, लेकिन मेरे को मीठे नहीं पसंद है, मेरे को थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है चावल में भी। तो चावल के लिए तो मैंने वो सब्ज़ी बनाई है, लेकिन बच्चे मीठा डाल के ही खाएंगे। और ये चावल भी बन के रेडी हो गए हैं हमारे, और चावल बन के रेडी हो गए, तो इसकी जो माड़ वो निकाल दी, निकालने के बाद ये हमारी थाली लग के तैयार हो गई है। वो थाली में लगाया है मैंने सब्जी, दही, और जो घी होता है ना कच्चा घी जिसको हम नूनी बोलते हैं वो वाला घी है, और ये हमारा तैयार हो गया खाने के लिए, सलाद वगैरह सब कुछ। और ये कच्चा घी जो नूनी घी है ना ये मेरा थोड़ा फेवरेट है, तो बहुत खाती हूँ इसको, मन करता है तभी खा लेती हूँ गरम रोटी के साथ, लेकिन बनाते हैं तब ठंडा ही हो जाता है, हम खाते हैं तब तक। और सारा काम फ्री होने के बाद 2 बजे के लगभग यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया, और बारिश आ भी गई यहाँ बहुत अच्छा, मतलब पेड़ों को तो ऐसे था कि अमृत ही मिल गया। तो आज के व्लॉग में मेरे इतना ही है, अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।